नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। या हुसैन की सदाओं के साथ निकला 10वीं मुहर्रम का जुलूस, संजीत शर्मा प्रधान साथ साथ चलते रहे। रामनगर बनकट से 10वीं मुहर्रम का जुलूस निकला, जिसकी मजलिस को मुजीब खान पूर्व प्रधान ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां पेश की थी। सबसे आखिर में खुद इमाम हुसैन कुर्बानी देने के लिए आए। जब वे खेमे से मैदान के लिए निकल रहे थे तो उनकी जुदाई पर खेमे में मौजूद महिलाओं और बच्चों में कोहराम मच गया। उन्होंने सबको सांत्वना दिया और मैदाने करबला में 3 दिन की भूखों प्यास में वो जंग किया कि यजीदी फौज रहम की भीख मांगने लगी। इस पर इमाम हुसैन ने तलवार रख लिया तो यजीदियों ने उन पर हमला बोल दिया। तलवार, नेजा, पत्थर और तीर की उन पर बारिश की। अंत में खंजर से गला काटकर उन्हें शहीद किया। इसी की याद में अंजुमन गुंचे मजलूमिया शहर सुल्तानपुर ने नौहा मातम किया। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पीएसी बल और चौकी प्रभारी प्रतापगंज विनय कुमार सिंह, आलोक बाल, दीवान श्याम बाबू, अजीत यादव, धीरज कुमार, सतेंद्र वर्मा, कपिल महिला कांस्टेबल शशि यादव, पूजा प्रशासन जुलूस के साथ साथ चलता रहा और शांतिपूर्वक सभी ताजियादारों ने मुहर्रम मनाया। इस मौके पर रामगढ़ बनकट प्रधान संजीत शर्मा, पूर्व प्रधान मुजीब खान, इमरान साबरी, आमिर राज फर्नीचर हाउस, राहुल कोरी, फरियाद कोटेदार सलाम आदि लोग उपस्थित रहे। ये जो है हुसैन की याद में हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरा ताजिया मुहर्रम मनाते हैं और एक साथ, यहाँ कोई विवाद नहीं होता है, सब एक साथ रहकर ही मुहर्रम मनाते हैं और यहाँ दफनाया जाता है करबला में, एक साथ ही रहते हैं सब लोग। प्रधान जी, देखा जाए जिस दिन से चांद लग जाता है, पहली तो होती है, आप उस दिन से ही सभी के साथ लगे रहते हैं, इसी लोगों को क्या उद्देश्य है देना चाह रहे हैं आप? उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रहें और ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये सब का त्यौहार है। जान लीजिए इमाम हुसैन सबके हैं और हम उस घर से हैं कि जो मेरे पूर्वज के लोग ही साथ रहकर मनाते थे और हम तब से ही लगे हैं, तो बचपन से ही थे, तब से ही लगे हैं और लगे रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे पूरे देश में और हर जगह सब इकट्ठा होकर अपना हर त्यौहार मनाएं। यही त्यौहार नहीं, काफ़ी त्यौहार आता है, उसको भी मनाएं अच्छी तरीके से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।